और ये सामने जो है यही है मंदिर, यहाँ का पशुपतिनाथ का मंदिर यही है। तो राम क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ गए? तो हाय गाइस, दिस इज मी एंड माय फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो चुका है आपसे। आज कितना तारीख है? 15 तारीख। और अभी हम लोग कैंपियरगंज हैं, जो कि हम लोग नेपाल निकल रहे हैं। बस का वेट कर रहे हैं। हम लोग कभी से अभी आता, आप लोग को दिखा दें हम लोग नागर ट्रैवलिंग कहते हैं कि बस से कैसे जाते हैं हम लोग। चलिए वीडियो में जुड़े रहिएगा आप लोग। और यार फाइनली बस मिल चुका है और अभी हम लोग खड़े हैं, मतलब सीट नहीं मिला है। उतने देर से हम लोग खड़े थे तो सोचा वहाँ भी खड़े रहेंगे, यहाँ भी खड़े रहेंगे, इसका भी एक्सपीरियंस लिया जाएगा। हम बस कुछ देर की बात है, उसके बाद कैसे जाते हैं देख लीजिए आप। मतलब पूरा भरा हुआ है साथ देख सहनी। तो यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं सनौली और राम बाबू चलिए आगे, थोड़ा चल रहे सर, अंधेरा हो गया भाई। और पूरी बस, हाँ जल्द हम लोग बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं नेपाल, राम नहीं करने वाला है, मैं छोड़ने आया हूं गाइस, चला जाना। छोड़ के जाओगे ना हम लोग को? ठीक। तो यार बस बहुत पहले यहाँ रोक देता है क्योंकि यहाँ से बॉर्डर लगभग 1 किलोमीटर होगा और यहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं। और ये हम लोग सनौली में हैं जो कि नेपाल और बगल में है और बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। बॉर्डर दिख भी नहीं रहा है क्योंकि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो देख सकते हो गाइस हम लोग नेपाल में हैं और यहाँ का जो टाइम है वो 15 मिनट आगे है, आगे है ना हम लोगों का। और वो हम लोगों का 7 बजे से बस है। तो देख सकते हो आप लोग, हम लोग वहाँ से आए हैं और अब ऊपर जा रहे हैं। जिंदगी हम छिपे छिपाए, हम ऐसे जी छिप छिपाए, ऐसे जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम न आए 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 हम न आए, ऐसे जी छिप छिपाए, ऐसे जी हम न पाए। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं काठमांडू और हम लोग अभी आराम नहीं किए, सोए नहीं है। हम लोग जा रहे हैं रूम ढूंढेंगे और सोएंगे पहले, उसके बाद वहीं घूमा जाएगा, तब आप लोगों को दिखाते हैं और मिलते हैं। तो देख सकते हो आप सब, हम लोग ये काठमांडू के लोकल मार्केट में आए हैं जहाँ की कपड़े का शॉप है। और यहाँ पर हमारी शिवम भैया ले रहे हैं कुछ अपने लिए। नहीं मैं नहीं ले रहा हूँ, वो ना क्या था कि राम अंडरवियर घर से नहीं पहन के। अच्छा, अंडरवियर भूल गया था राम, राम अंडरवियर ले रहा है। यहाँ मॉल है, वहाँ पर ATM है, हम लोग ATM में गए बट पैसा निकल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो हेलो गाइस, देख सकते हो फाइनली हम लोगों को बहुत देर बाद मतलब पैसे मिला है यहाँ पर, वो भी हम लोग 500 रुपये पे किए हैं पैसे लेने के लिए, तब जाके मतलब यहाँ का एक बंदा था उसने दिया हम लोगों को। उसके बाद हम लोग गए शॉपिंग किए, अपना सब कपड़ा वपड़ा लिए। तो देख लो, इसलिए कभी भी आना आप लोग, कभी भी ATM के भरोसे मत रहना यहाँ पर, कभी भी आइए आप लोग, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने पास कैश लेकर ही आइए। तो यार फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं पशुपतिनाथ के लिए जाना है। तो देख सकते हो ये यहाँ का लोकल बस है। फाइनली हम लोग पशुपति मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, अभी गेट पर हैं, हम लोग एंट्री कर दिए हैं और यहां से अभी 15-20 मिनट लगेगा। हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को पशुपति मंदिर कैसा और कैसा है। चलते हैं और मिलते हैं आप लोग को, दिखाते हैं। तो देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं, फाइनली आ चुके हैं मंदिर के पास, बहुत ही करीब हैं और ये रास्ता जाता है सीधा मंदिर पर।
फाइनली हम लोग आ चुके हैं अंदर मंदिर में, और जा रहे हैं अभी अंदर तो नहीं आए बट गेट के अंदर आ चुके हैं हम लोग। और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारे, आनंद लीजिए, दिखाते हैं। देख सकते हो गाइस कैसे हो गए हम लोग आते आते, मेरा हेयर स्टाइल जो है पूरा चेंज हो चुका है। तो देख सकते हो हम लोग मंदिर के पास ही खड़े हैं, मतलब बाहर ही खड़े हैं हम लोग। और ये सामने जो है यही है मंदिर, यहाँ का पशुपतिनाथ का मंदिर यही है। प्रयास करने के बाद भी हम लोग वीडियो अंदर का नहीं बना पाए और बाहर का बनाए हैं, और बाहर का नज़ारा देख सकते हैं आप सब। कैसे हम भैया, अंदर कैमरा अलाउड था? नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं, चुपके चोरी किया गया है। हम लोग बहुत बहुत चुपके चोरी से किए हैं, पकड़ा भी गए थे, बट आप लोगों को दिखाएंगे जरूर। तो देख सकते हो आप सब, ये है मंदिर के अंदर का सीन, जो कि यहाँ पर कैमरा ले जाना एंड फोटो लेना बिल्कुल मना था, बट मैंने चोरी से किया था। क्यों? क्योंकि भैया हम बहुत दूर से गए थे तो करना तो बनता ही है, क्योंकि हम कैसे दिखाएंगे आप सबको। और हाँ, यहाँ मैं पकड़ा भी गया था बट मैंने चोरी से मतलब एक वीडियो और बना लिया, उसे सब लोग डिलीट करवा दिए, बट ये मैंने बचा लिया।